नमस्कार साथियों, सबसे पहले उन बंधुओं के लिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड पे कुछ चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड BSEIndia.com वेबसाइट के नाम है, इस पे है। शेयर प्राइस 1.05 रुपया है। ये ESM स्टेज 2 के अंडर में है अभी, यानी कि सेबी के निगरानी में ये स्टॉक अभी चल रही है और ऐसे टाइम में इसका लोअर सर्किट लगना भी इसके लिए बहुत ही खराब बात है। और जब किसी भी स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा हो तो उस वक्त डिलीवरी परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है वैसे टाइम में। अब देखते हैं screener.in वेबसाइट का नाम है इस पर। तो फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड जिसका कि शेयर प्राइस यहाँ पर 1.02 रुपया शो हो रहा है, जबकि मार्केट कैप 850 करोड़ का है। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 95.8 का अभी चल रहा है और ROC 1.07% और ROE 0.73% है, जबकि करंट प्राइस तो 1.02 रुपया यहाँ पर सो रहा है और बुक वैल्यू 2.76 रुपया, अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ये शेयर ट्रेड कर रही है और लोअर सर्किट भी लगा हुआ है। तो ऐसे टाइम में थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए इन्वेस्टरों को, क्योंकि लोअर सर्किट जब लग रहा हो किसी भी स्टॉक में तो ये भी संभावना होता है कि कब तक लोअर सर्किट लगेगा, लेकिन ऑब्जर्व भी करना चाहिए कि किस वक्त तक लोअर सर्किट लग रहा है, यानी कि पर डे ऑब्जर्व करना चाहिए। और जहाँ पर लगे कि हाँ ट्रेडिंग चल रही है, बायर और सेलर दोनों एक साथ आ चुका है अब, तो वैसे टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी छोटा शेयर यानी कि छोटे प्राइस पर शेयर चल रही है शेयर का प्राइस, तो ऐसे स्टॉक का ऊपर की मूवमेंट और नीचे की मूवमेंट काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर का हाथ काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ समय के लिए जाएगा नीचे में, लेकिन स्थिर हो जाएगा यानी कि रुकेगी, लोअर सर्किट लगना बंद भी हो सकता है बहुत जल्द 1-2 ट्रेडिंग डे में, लेकिन ये 100% नहीं है। और ये अपने 1 ईयर के प्राइस चार्ट में लो प्राइस पे ट्रेड करने जा रही है कुछ ही दिनों में, हो सकता है वहाँ तक नहीं पहुँचे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका 89 यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन ये रियल में 79 पैसे पर भी गया हुआ था एक समय। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि इसका बैलेंस शीट है मार्च 2024 के अनुसार, तो काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट है, क्योंकि इसका इक्विटी कैपिटल भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, 48 करोड़ से बढ़ करके 833 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर रिजर्व इसका 1469 करोड़ का हो चुका है और इसी के साथ में ब्रोइंग में भी थोड़ा सा घटाव आया है, यानी कि गिरा है ब्रोइंग, तो 67 करोड़ से 53 करोड़ का अब रह चुका है। और इन्वेस्टमेंट जो है 2211 करोड़ का हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा है फ्यूचर के लिए। जिस भी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो चुका है उसमें प्रॉफिट की गुंजाइश बनती है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें भी एक टाइम में दिसंबर 2021 में 1.23% प्रमोटर के पास में था होल्डिंग, वहीं पे सितंबर 2024 में 24.82% का हो चुका है। तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, कब से तो सितंबर 2023 से ये बढ़ा था प्रमोटर होल्डिंग। बाकी FIH के पास में नाम मात्र का स्टॉक है और DIH के पास में भी सेम है और पब्लिक के पास में काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ रहा है, जो कि 75.14% का है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो 241,465 नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स यानी कि आदमी पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में, जहां पर कि दिसंबर 2021 में अगर देखते हैं तो 9024
पोर्टफोलियो का ही इन्वेस्टमेंट रहा है। मेरे आइडिया अनुसार बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।